और भारी बारिश की वजह से गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद भरूच में नर्मदा नदी हिलोरे मारने लगी और नदी के ऊपर बने एक रेलवे ब्रिज तक उसका पानी आ गया। इस कारण ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। कई इलाकों में लोगों के घरों में भी नदी का पानी घुस गया, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में नर्मदा नदी उफान मारती नजर आई और सामान्य लेवल से काफी ऊपर पहुंच गई। नदी के लिए इतना पानी अपने अंदर समा पाना मुश्किल हो गया और बेहिसाब पानी तटों को तोड़ते हुए पहले सड़कों और फिर रिहायशी इलाकों में जा पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबे दिखे। पानी से बचने के लिए लोगों को अपने घरों की टिन की छत पर पनाह लेनी पड़ी। इससे पहले कि पानी छत पर जा धमके, बचाव कर्मी नाव लेकर लोगों को उनके घरों से निकालने पहुंच गए। और ऐसा ही हाल गुजरात के वडोदरा में भी देखने को मिला। वहां भी मूसलाधार बारिश ने नदियों में उफान ला दिया, जिसकी वजह से एक इलाके में 12 लोग फंस गए। उन्हें बचाने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और उसकी जांबाजी ने बच्चों समेत उन 12 लोगों को बचा लिया। नदी में पानी बढ़ने की वजह से उन लोगों को वहां पास में बने एक मंदिर की छत पर पनाह लेनी पड़ी। पहले कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू करने की कोशिश में था, मगर खराब मौसम की वजह से बचाव अभियान नहीं चलाया जा सका। बाद में सेना ने नाव के जरिए नदी में फंसे उन 12 लोगों को बाहर निकाला। उधर गुजरात के आणंद में बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद वहां महीसागर नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिससे हाहाकार मच गया। और जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर मिली, कई इलाकों में बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। आणंद के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दमकल कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाते दिखाई दिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां लगातार बारिश की वजह से आसपास की कई नदियां उफान पर आ गईं और उसके पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया, जिसकी वजह से वहां हालात बद से बदतर हो गए और लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आईं, उनमें पूरा शहर पानी में डूबा नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो शहर पानी पर बसा हो। वहां का कोई कोना या कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी न घुसा हो। वहां से आए एक वीडियो में कई मंदिर भी पानी में डूबे दिखे। पानी भर जाने की वजह से उन मंदिरों का सिर्फ आधा हिस्सा ही नजर आया। बारिश लगातार हो रही है चंबल के पानी के कारण, और दूसरे जिलों में जो बारिश हो रही है उसका असर उज्जैन पे पड़ रहा है। वहीं बाढ़ के बीच फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया और जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में खाना पहुंचाया गया। इस बीच उज्जैन में भयंकर बाढ़ के बीच कई लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दो लोग रस्सी के सहारे उस हेलीकॉप्टर से लटके नजर आए। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में एक गर्भवती महिला और उसका पति बाढ़ के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम ने पुणे से हेलीकॉप्टर मंगवाया और उसकी मदद से दोनों को रेस्क्यू कर इंदौर पहुंचाया गया। वहां से जो तस्वीरें आईं, उनमें हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया और उसके बीच वो हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करता दिखा। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां 300 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। उधर राजस्थान के प्रतापगढ़ में लगातार चौथे दिन लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां के कई बांध ओवरफ्लो हो गए। ऐसे में उन बांधों के गेट खोल दिए गए, जिसके बाद वहां के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और लोगों के घर आधे से ज्यादा पानी में डूब गए। वहीं कई गांवों का शहर से संपर्क भी टूट गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि हालात संभालने के लिए SDRF की दो टीमों को जयपुर और अजमेर से प्रतापगढ़ भेज दिया गया, लेकिन 4 दिन हुई लगातार बारिश की वजह से वहां का हर कोना पानी में समा गया और लोग उसी के बीच से सफर करने को मजबूर हो गए। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां के स्कूल भी बंद कर दिए गए, क्योंकि बांधों के गेट खोलने की वजह से वहां की एराव नदी उफान पर आ गई और उसके आसपास बसे इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ खिसकने के बाद एक मकान के ढहने का डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता नजर आया, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। इसकी जो तस्वीरें आईं, उनमें पहाड़ खिसकने की वजह से उस जर्जर मकान पर पत्थर गिरते दिखे और थोड़ी देर में वो पूरा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। पहले उस मकान की दीवारें गिरी और फिर उस मकान की छत भी भरभराकर गिर गई, जिसकी वजह से वहां धूल उड़ने लगी। बताया गया कि पिछले कई दिनों से वहां लगातार पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में खतरा देखते हुए पहले ही कई घरों को खाली कर दिया गया था, लिहाजा किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां की नदियां उफान पर बहने लगी और उनके उफनते पानी ने आसपास के इलाकों में जमकर कहर बरपाया, क्योंकि वहां के नदी और नालों का पानी अपनी हदों को तोड़कर सब कुछ बर्बाद करने को बेताब दिखा। भारी बारिश के बाद वहां की सड़कों पर दरिया बहने लगा, कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से लोग सड़क के दूसरी तरफ फंसे हुए नजर आए। इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी की जद में जो रिहायशी इलाके आए, वहां तबाही और बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दिया। वहां के गली मोहल्ले पानी में डूब गए, कई घरों और स्कूलों में पानी घुस गया, कई दुकानें और उनमें रखा सामान भी पानी की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई रास्ते पूरी तरह बंद करने पड़े। उधर दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत में आई हाई टाइड ने ऐसा हाहाकार मचाया कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहां के एक रेस्टोरेंट में हाई टाइड से तबाही की डरावनी तस्वीरें आईं। वेस्टर्न केप में प्रशासन ने पहले ही इसकी चेतावनी जारी कर दी थी और समंदर की डरावनी लहरों ने वो चेतावनी सच साबित कर दी।
क्योंकि साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत में समंदर के किनारे बने रेस्टोरेंट में लहरें इतनी तेजी से घुसी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हाई टाइड की वजह से उठी समंदर की ऊंची लहरें सारी सीमाएं लांग कर रेस्टोरेंट में घुसी और चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक सैलाब कहां से आया। दो लोग तो तस्वीरें खींचते समय ही लहरों की चपेट में आ गए क्योंकि उन्हें पीछे से आ रहे खतरे की भनक तक नहीं लगी। ये तस्वीरें साउथ अफ्रीका के चौथे सबसे बड़े प्रांत वेस्टर्न केप के जॉर्ज शहर की, जहां हाई टाइड की चपेट में आने से 7 लोग घायल हो गए। और साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन से भी हाई टाइड की खतरनाक तस्वीरें आईं, जिनकी सोशल मीडिया पर सुनामी से तुलना होने लगी। केप टाउन शहर भी वेस्टर्न केप प्रांत का हिस्सा है, जहां हाई टाइड ने लोगों को डरा दिया। वहां उठी ऊंची ऊंची लहरों को देखकर लगा कि सुनामी आ गई, क्योंकि केप टाउन में समंदर ने विकराल रूप ले लिया। पानी इतना ऊंचा उठा कि लगा सब बहा ले जाएगा, और हुआ भी वही। समंदर का पानी शहर में घुस गया। रास्ते में जो चीजें आईं वो या तो टूट गईं या फिर पानी में बह गईं। घरों का निचला हिस्सा भी डूब गया और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तैरने लगी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। एक शख्स की मौत की भी खबर आई। यही वजह रही कि इन खतरनाक तस्वीरों ने लोगों को सुनामी की याद दिला दी, क्योंकि सुनामी में भी कुछ इसी तरह ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। वैसे दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत के लोगों को मौसम विभाग ने पहले ही हाई टाइड की चेतावनी दे दी थी, लेकिन समंदर ने अंदाजे से ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया और हाई टाइड की वजह से उठी ऊंची लहरों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। क्योंकि साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत के दो शहरों केप टाउन और जॉर्ज में हाई टाइड की वजह से एक शख्स की मौत हुई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को अक्सर हाई टाइड की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समंदर की लहरों पर असर डालती है, खासकर चंद्रमा की, क्योंकि सूर्य की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा पास है। अपनी धुरी पर घूमते हुए जब भी चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण की वजह से खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी ऊपर उठने लगता है और इसे ही हाई टाइड कहते हैं।